सूचि पर्यावरणम प्रथम पाठ यानी दसम कक्षा की पुस्तक में सबसे पहला पाठ है सूचि पर्यावरणम। यह तीन पदों के मेल से बना, सूचि जोड़ परि जोड़ आवरणम, अर्थात हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, पर्यावरण जिसको अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, वह कैसा होना चाहिए, सुचित माने पवित्र। आज हम लोग देख भी रहे हैं, अभी हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाने जा रहे हैं। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? आज सारे लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जिस वातावरण में जिस पर्यावरण में हम रहते हैं यह पर्यावरण प्रदूषित होते हैं, जिसका नतीजा आज हम लोग छेद संयोग ऐसे पर्यावरण जो प्रदूषित पर्यावरण है यह मनुष्य को कितने फेरे में डाल देता। आज उसका उदाहरण जिसको हम लोग कोरोना के नाम से जान रहे हैं देखिए। अच्छा, अब इस पाठ की भूमिगत विशेषता को थोड़ा सा देखें। लिखा हुआ है एम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है, यानी ये प्राचीन कवि नहीं है संस्कृत, कौन हरिदत्त सर। इन्होंने लसत लतिका इति रचना संग्रह संकलित, इन्होंने एक काव्य लिखा है लसत लतिका, और उसी लसत लतिका नामक संग्रह से ये पाठ संकलित। अत्र कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण से उपरि चिंतित मना है। कवि बहुत चिंतित है। कारण क्या है चिंतित होने का? महानगरों में आज जो यंत्र की अधिकता देखी जा रही है, सारे कार्य यंत्र के अधीन, और उस यंत्रों की अधिकता के कारण जो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, यही चिंता का विषय है। सह कथयति, वे कहते हैं, यत माने कि क्या कहते हैं, इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसस्य शोषकम अस्ति। यह लौह चक्र जो है लोहा का चक्का, ये शरीर और मन दोनों का शोषक है। अब शोषक का अर्थ क्या होता है? शोषण करने वाला। यह मन का शोषण कर रहा है कौन? लोहे का चक्र। अस्मातिव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से वायुमंडल मलिन होता है। मलिन मतलब डस्टफुल कहिए, पूरे वातावरण में गंदगी ही गंदगी छा जाती है। कभी महानगरीय जीवनात सुदूरम, थोड़ा दूर नहीं बहुत दूर, कहाँ से? महानगर के जीवन से। नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव पूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय। धन्य है प्रभु। अभिलाषति का मतलब होता है अभिलाषा कर रहा। अभिलाषा कहते हैं उस शब्द को जिसका अर्थ होता है चाहने की उत्कट इच्छा, यानी जब तक से वो प्राप्त नहीं होता है वो बेचैन। कभी उस ओर जाना चाहता है, किस ओर? जहाँ नदी, जहाँ झरने झरझर कर रहे हों, जहाँ वृक्षों का समूह हो, जहाँ लताओं का कुंज हो, जहाँ पक्षी के समूह कलरव कर, ऐसे वन प्रदेश में जाने की इच्छा। अर्थात कहने का तात्पर्य,
कि आज महानगरीय जीवन जो हो गया है न वहाँ स्वच्छ नदी ही है कि जल मिल सके, न निर्जर है, न वृक्षों का समूह है, न लताओं का कुंज है, न पक्षियों का। ऐसे वातावरण में रह कर के हमारा जीवन भी तो माने एक तरह से रोगी हो जाए। आज देखने में भी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये कोरोना वायरस महानगर ये क्षेत्रों में जितना फैला और महानगर ये बड़े बड़े जगहों पर जितना इसका आतंक रहा और है, कहाँ गाँव में वैसा देखा, जहाँ का वातावरण विशुद्ध है वहाँ यह रोग नहीं के बराबर। इसका मतलब है कि हमारा जीवन शुद्ध वातावरण में बीते, कवि की इच्छा यही है। अब इसको सफल बनाने में हम लोगों का योगदान भी होना चाहिए। दुर्वहम अत्र जीवितम जात, अत्र जीवितम दुर्वहम जात, यहाँ जीवन बड़ा कठिन है। दुर्वहम का मतलब होता है अत्यंत कठिन। कहाँ स्थापित महानगर में, प्रकृति एव शरणम, अब मात्र एक ही शरण जिसको हम लोग प्रकृति मतलब नेचर, यानी जहाँ नेचुरल चीज, नदी नेचुरल है इसको हम लोगों ने नहीं बनाया, झरना नेचुरल है इसको हम लोगों ने नहीं बहाया, इस तरह से वृक्ष समूह बता रहे हैं, ये सब नेचुरल चीज। तो कहता है कि ऐसे जगह ही अब हम लोगों का शरण है, अब ऐसे जगहों पर ही हम जी सकते, इसलिए शुचि पर्यावरणम, यानी जहाँ का वातावरण विशुद्ध हो उस वन प्रदेश की ओर हमें नीचे। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाय चक्रम, क्योंकि महानगरों के भी अनिशम दिन रात ये कालायस चक्रम यानी यंत्र का जो चक्र है ये अहर निशम चल रहा, यानी दिन रात यह चक्र चल रहा है। मनः शोषयत, जो मन का शोषण, तनु पेशयत, शरीर को रोगी बना दे, सदा बक्रम भ्रमति, यह हमेशा टेढ़ा ही चल रहा है। यानी महानगरों के बीच में ये जो चक्र चल रहा है, लौह चक्र जिसके लिए आया है, यह हमारे मन और शरीर दोनों का शोषण करते हुए हमेशा टेढ़ा ही चल रहा है। दुर्दांतई दसन ही, ऐसे दसन, दसन माने दांत होता है और बहुवचन में है दसनई, और दुर्दांत कहते हैं एकदम जिसमें कोई दया नहीं, अत्यंत भयामना यह नगर का जीवन अपने दुर्दांत दांतों से जन ग्रसनम स्यात, लोगों को ग्रसना चाहे, यानी लोगों को अपने दांतों से ग्रसना चाहता है यह जीवन, इसलिए हमें इस जीवन से निकाल करके उस वन प्रदेश को ले जाए, यानी उस जगह पर ले जाए। हाँ, वही जगह जहाँ वृक्षों का समूह है,
जहाँ नदियाँ बहती हैं, जहाँ झरने झरते हैं, जहाँ पक्षी यो का कलरव सुनने को मिलता है। अब वैसे पंडे सुनने जरूर, क्योंकि अब मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल मलिनम एकदम काजल के समान मलिन। काजल का रंग आप देखे हैं कि नहीं, काला। सत सकटिया ना सैकड़ों गाड़ियां, आज सै गाड़ियां दिया। हमको लगता है कि सड़क पर दो मिनट रुक जाइए तो सौ गाड़ियां का, हजारों गाड़ियों की लाइन लग जाए। तो ये जो धुआं छोड़ती हैं वो कैसा होता है, हम लोग सब लोग देखो। वही बात का जिक्र यहाँ किया गया है कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियां, यानी माने गाड़ी, यानी गाड़ियां जो है वे काजल के समान मलिन धुआं को छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरण दिखवा, और आवाज जैसे वाष्प पूरे वातावरण में जोर से फैलता है, वैसे ये आवाजें चारों तरफ फैलती हैं। याना नाम पंक्तिया ही अंता कठिनम संसरणम, यानों की पंक्तियां इतनी कठिन है, यानी गाड़ियों का आवागमन जो है, आना और जाना इतना तेज है, जहाँ संसरण सरकना भी मुश्किल हो गया। इसलिए हे प्रभु, अब इस महानगर के जीवन से मुझे उस ओर ले चलो जहाँ का पर्यावरण पवित्र है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, यहाँ तो वायुमंडल भी बहुत दूषित हो गया, न ही निर्मलम जलम और न निर्मल पानी ही है। देखिए हम लोग कलियरी का जीवन जीते, हमको लगता है कि यहाँ पानी पर लोगों को एक मोटा रकम खर्च, हर एक घर में देखे होंगे पानी साफ किया जाए, कैसे किया जाए, लोग बेचैन रह रहे हैं। तो कभी कहता है कि वायुमंडल भी बहुत दूषित है, ना यहाँ निर्मल जल है। पुष्ट वस्तु मिश्रितम भक्ष्य, और जो मिश्रित भक्ष्य वस्तु है, यानी हमारे लिए जो खाने की वस्तुएं, उसमें भी मिलावट देखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी बोल रहा था कि जानते हैं सर, हल्दी में रंग डाल करके उसमें गेहूं भी पीस देता, पीला हो गया हल्दी के भाव से। अब बताइए, तो हम खरीदने गए हैं हल्दी और उसके जगह पर मिल गया गेहूं। इस तरह की कई खाद्य वस्तुएं हैं जिसमें आज मिलावट देखी जा रही है। समलम धरातल, यानी पूरा धरातल जो है वो मल के साथ हो गया, गंदगी से युक्त हो गया। तो सोचिए ना, अब खाने की वस्तुएं भी ठीक नहीं, पीने का पानी भी ठीक नहीं, अब वहाँ का जीवन कैसा। नियम वही अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, यानी अब इस बाहरी जगत को बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता। ऐसा वातावरण हो गया है जिसे शुद्ध करने की बहुत बहुत आवश्यकता। इसलिए इस दूषित वातावरण को छोड़ करके हम वैसे वातावरण में प्रवेश करें जो शुद्ध शुद्ध।
कंचित कालम नया, कंचित कालम नया, अरे कुछ काल के लिए मुझे ले चल। अस्मात नगरात बहु दूरम, इस नगर से बहुत दूर मुझे ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामान्ते, मैं उस गांव में देख रहा हूं जहां निर्जर है, नदी है, अयपुर पया माने जल होता है, जहां की नदियां झरने जल से परिपूर्ण है। तुम्हें मुझ इस नगर से ले जाओ। देखिए आज समय भी पहुंचा, आज ट्रेन भर भर के लोग उसी गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जिस गांव से कुछ दिन पहले वे रोजी रोटी की तलाश में महानगरों में निवास कर रहे थे, काम भी कर रहे। लेकिन वहां का वातावरण कहाँ रहने दिया उन लोगों को, वातावरण रहने लायक है ही तो कैसे। इसलिए देखिए कभी की इच्छा कहता है कि कांते कांतारे, कांतार माने ही बन होता है, एकांत कहते हैं अकेले। क्षणम अपि मे स्यात् संचरणम, अब वहाँ अकेले भी मुझे संचरण करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन कुछ समय तक तो मुझे इस महानगर से दूर ले चलो। यह पाठ लिखने वाला पहले लिख, लेकिन आज उसका दृश्य हमारे आंखों के सामने, थोड़ा गहरा विचार करेंगे तो रोज हम लोग टीवी चैनल पर समाचार में यह देख रहे हैं कि महानगरों से लोग कैसे फैलाए। महानगरों में तो आज मृत्यु का भय सता रहा है लोगों को कि हाँ हमारी जान बचेगी कि, आखिर ऐसा क्यों। उसका मात्र यही कारण है कि वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो गया। अभी गांव का वातावरण शुद्ध है, इसलिए लोग झुंड के झुंड पैदल बिना खाए पिए भूखे प्यासे अपने उस गांव की ओर प्रस्थान, उसी गांव की ओर प्रस्थान करने के लिए कभी भी कह रहा है कि मुझे वहाँ अकेले भी रहना पड़े तो ले चलो, कुछ काल के ही ले चलो, लेकिन मुझे ले चलो। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, क्योंकि वही हरे हरे वृक्ष मिलेंगे, सुंदर लताएं वहीं मिलेंगी, लताओं का माला जो रमणीय है वह वहीं मिलेगी। कुसुमावली फूलों की अवली, अवली मैंने पाती यानी फूल कतार में खिले होंगे, मुझे वही मिले। समीर चलिता स्यात में वर्णिया, अब उसी समीर में मैं जीवन को अपना लगा। समीर माने हवा होता है, यानी जहाँ हरित वृक्षों से ललित लताओं से फूलों से होकर के हवा गुजरती है, अब वैसे वातावरण को ही मुझे वरण कर, यानी वैसे वातावरण में ही हमें जीना। नव मलिका यानी नए नए लताएं, रसालम मिलिता, रसाल आम को कहते, यानी आमों में नए नए मलिकाएं, मंजरियां, पल्लव रुचि राम, वे मुझे बहुत रुचि वाले। अब वहीं संगमनम, वहीं हमारा गमन हो, इसलिए आप मुझे वैसे ही वातावरण देंगे। आई चल बंधो, देखिए यहाँ संबोधन का चिन्ह है, कहता है आई बंधो चल वहीं चल,
खगकुल कलरव गुंजित बन सम, जिस वन में पक्षियों का कलरव हो रहा पूरे कलरव समृत जनेभ्य धृत सुख संदेश, और वे कलरव लोगों को सुख का संदेश दे रहे, यानी उन्मुक्त जीवन जीने का संदेश दे रहे। चाक छिक जालम न कुर्यात जीवित संधरणम, कहीं ये चाक छिक का जो जाल है, ये चकचक जीवन नगरों का जो देख रहे हैं, ये कहीं मेरे जीवन का हरण न कर लें, इसलिए तुम ऐसे चाक छिक के जीवन को छोड़ कर उसी वन प्रदेश को निकल जाए जहाँ पक्षी चाचा आदि हों और उन्मुक्त जीवन जीने का यह संदेश दे रहे, उसी नगर की, उस नगर की नहीं बल्कि उस वन प्रदेश की ओर, उस गांव की ओर। प्रस्तर तरे लता तरु गुलमानो भवंत पिष्टा, प्रस्तर तले लता तरु गुलमा न भवन, पत्थर के तल पर ये लता की जो है झाड़ियाँ जो है ये पीस न जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात्ना समाविष्टा, ये पाषाणी पत्थर की सभ्यता कहीं यह समावेश न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, इसलिए मैं उस मानव के जीवन की कामना करूं। नो जीवन मरणम, आज हमारा जीवन जीवन और मरण के संघर्ष से जूझा हुआ, ये पाषाणी सभ्यता कहीं हमें नष्ट न कर दे, हम इसके बीच पीस न जाए। इसलिए ऐसी नगरीय सभ्यता के हमें उस निसर्ग प्रांत गांव की ओर ले जाए जहाँ का वातावरण विशुद्ध हो। अब इस पाठ को मैंने बता दिया, एक बार बताया, जब आवश्यकता होगी तब बताऊंगा, लेकिन इस पाठ को ठीक से देखेंगे और इसके अभ्यास कार्य को मैं बताऊंगा अगले दिन। आज इसको इतना ही।